नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत, आप देख रहे हैं ट्रेड एशिया का चैनल, आप सबका स्वागत है। दोस्तों फिर से एक बार आ चुका हूँ गर्मा गर्म और ताज़ा टेक न्यूज़ लेके, ताकि आपको मिल पाए टेक दुनिया के बारे में सारी की सारी जानकारी सबसे पहले। तो शुरुआत करते हैं आज का डेली डिक्टर का एपिसोड नंबर 110 और सीखते हैं कुछ नया। दोस्तों शुरुआत करेंगे वन प्लस से। जी हाँ, यहाँ पे वन प्लस का लॉन्च जो है अब से बस 7 दिन बाद ही होना है, लेकिन यहाँ पे चाइना से JD.com या फिर JD.com जो कि बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है, ई कॉमर्स साइट है चाइना में, उन्होंने वहाँ पे लिस्टिंग कर दिया है वन प्लस 8 सीरीज को। जी हाँ, यहाँ पे वन प्लस 8 और वन प्लस 8 प्रो दोनों फोन वहाँ पे लिस्टिंग हो चुकी है और बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस और बहुत सारे लीक्स का जो कन्फर्मेशंस वो आ चुका है फाइनली हमारे सामने। जी हाँ, यहाँ पे जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे कन्फर्मेशन जो आ चुकी है कि यहाँ पे आपको मिलने वाला है फ्लेक्सिबल सुपर एमोलेड का डिस्प्ले, फुल एच डी प्लस 6.55 इंच का, साथ में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको मिलने वाला है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 865 जो लेटेस्ट प्रोसेसर है वो यहाँ पे मिलने वाला है। इसका मतलब यह है कि ये फोन भी 5G में ही आने वाला है। अब बात करते हैं इंटरनल मेमोरी की, तो यहाँ पे 8GB एंड 12GB के दो वेरिएंट में यहाँ पे मिलेगा। साथ ही साथ में इंटरनल मेमोरी की बात करें तो 128GB और 256GB के वेरिएंट्स में यहाँ पे मिल रहा है, जहाँ पे आपको UFS 3.0 का स्टोरेज का जो है सिस्टम मिल जाएगा। अब बात करते हैं कैमरा की, तो कैमरा में आपको यहाँ पे ट्रिपल रेयर कैमरा मिलेगा 48, 16 और 2 का, जो कि आपको वन प्लस 8 में मिलने वाला है, लेकिन वहीं पे वन प्लस 8 प्रो में आपको क्वाड कैमरा सेटअप जो है वो मिलने वाला है, जिसमें मैं कुछ ही देर में आपको डिटेल्स दे दूंगा। अब कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट कैमरा में आपको यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल रहा है वन प्लस 8 में। तो यहाँ पे थोड़ा डिसअपॉइंट है क्योंकि दुनिया अभी 44 और पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच रही है, लेकिन अभी तक वन प्लस फ्रंट कैमरा में यहाँ पे सिंगल 16 मेगापिक्सल का कैमरा यहाँ पे दे रहा है, लेकिन क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है, ये तो हम लोगों को पता है। लेकिन बाकी डिटेल्स देख लेते हैं, यहाँ पे आपको 4300mAh का बैटरी मिलेगा, 30W का आपको वायर्ड चार्जिंग यहाँ पे मिलने वाला है और 5G कनेक्टिविटी जैसे मैंने बताया था वो यहाँ पे मिलने वाला। वही पे बात करें इसका प्रो वर्जन की, तो प्रो वर्जन में कुछ अपग्रेड्स यहाँ पे किए गए हैं। प्रो वर्जन में आपको 6.78 इंच का क्वाड एचडी 2K रेजोल्यूशन का स्क्रीन मिलने वाला है, वो भी सुपर एमोलेड का। तो यहाँ पे काफी मजेदार एक स्क्रीन हमको मिलने वाला है, ये तो कंफर्म हो जा रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं रिफ्रेश रेट की, तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यहाँ पे आने वाला है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो चुका है आजकल फ्लैगशिप फोन्स में, तो वन प्लस भी यहाँ पे कैसे पीछे रह सकता है, तो आपको वो यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही साथ में आपको क्वालकॉम का लेटेस्ट 865 का प्रोसेसर मिलेगा, 8GB का रैम और 12GB का रैम भी यहाँ पे मिलने वाला है, 128 और 256GB का सेम UFS 3.0 का स्टोरेज कैपेसिटी यहाँ पे आपको मिलने वाला है। अब बात करते हैं रियर कैमरा की, तो यहाँ पे 48, 48, 8 और 5 का क्वाड कैमरा सेटअप जो है वो मिल रहा है। फ्रंट पे सिमिलर 16 मेगापिक्सल का कैमरा यहाँ पे दिख रहा है लिस्टिंग से, अभी कन्फर्मेशन नहीं है कि यहाँ पे 32 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो चाइनीज लिस्टिंग है वहाँ पे तो 16 मेगापिक्सल यहाँ पे लग रहा है। अब बात करते हैं बैटरी की, तो यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज होके 4510mAh का बैटरी जो है यहाँ पे दिया गया, क्योंकि स्क्रीन साइज नॉर्मल 8 से यहाँ पे ज्यादा हम लोगों को मिल रहा है। और यहाँ पे 30W का वायर चार्जिंग, 30W का वायरलेस चार्जिंग और 30W का रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी यहाँ पे सपोर्ट करता है ये फोन, तो काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम वन प्लस जो है वायरलेस चार्जिंग जो है वो इंक्लूड कर रहा है अपने स्मार्टफोन के अंदर, तो यहाँ पे देखने लायक है कि 30W वायरलेस चार्जिंग में कितना अच्छा रिस्पॉन्स आता है मार्केट से। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे IP68 का प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा, तो वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट फोन भी ये आपको मिलने वाला है। सो काफी एक इंटरेस्टिंग फोन जो है वन प्लस की तरफ से हम लोगों को मिलने वाला है 14 अप्रैल को। कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा मैं आपको जरूर शेयर कर दूंगा। अगर आप इंडिया के बाहर से हो और वन प्लस को लेना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, आपको मैं जब भी अवेलेबिलिटी के न्यूज कुछ मिल जाएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज के ऊपर। और दोस्तों अपना अगला न्यूज आ रहा है रेडमी की तरफ से। जी हाँ, यहाँ पे रेडमी K20 प्रो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हाईएस्ट सेलिंग फोन्स में है, जो रेडमी और शाओमी की तरफ से हम लोगों को दिखा 2017 में। अब ऑलमोस्ट 3 साल बीत चुके, लेकिन इस फोन का क्रेज जो है कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और यहाँ पे जो डेवलपर्स है, जो ऑफिशियल्स नहीं है लेकिन काम करते रहते कस्टम रॉम्स के ऊपर, वो ढूंढते रहे यहाँ पे कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग उनको मिलता रहे। यहाँ पे अभी लेटेस्ट न्यूज ये आ रहा है कि डेवलपर्स ने ये लूपहोल्स या ये वे आउट बाहर निकाल दिया कि आपको यहाँ का रिफ्रेश रेट जो डिफॉल्ट 60Hz का मिलता है वहां से आपको अपग्रेड करके 75Hz तक आप ले सकते हो। अब यहाँ पे 90 और 120Hz से तो ये मुकाबला नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा आपको रिफ्रेश रेट का जो है मजा मिल जाएगा बहुत ही जल्दी।
अगर आप कस्टम रॉम को यूज करना चाहते हो तो आप नीचे मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसके बारे में और डिटेल्स का एक वीडियो जरूर बना दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज के ऊपर। और दोस्तों अपना अगला न्यूज आ रहा है ओप्पो की तरफ से। जी हाँ, यहाँ पे ओप्पो रेनो एसी 2 के बारे में मैंने बहुत दिन से ही बोलना शुरू किया था और फाइनली वो फोन जो है लॉन्च होने वाला है। लेकिन यहाँ पे AnTuTu का बेंचमार्क स्कोर भी उसका आ चुका है, 560,217 का स्कोर जो है इस फोन का यहाँ पे अचीवमेंट हुआ है। तो एग्जैक्टली अभी कंफर्मेशन हो चुका है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल फोन होगा। 5G तो होने वाला है, ऑलरेडी हम लोगों को पता था। लेकिन यहाँ पे प्रोसेसर को लेकर बहुत ज्यादा रूमर्स चल रहा है। यहाँ पे कोई कोई बोल रहा है यहाँ पे क्वालकॉम का लेटेस्ट 865 हो सकता है, कोई कोई बोल रहा है यहाँ पे डायमंड सिटी का 1000L भी हो सकता है। अभी ये AnTuTu के बेंचमार्क से ये कंफर्म नहीं हुआ कि कौन सा वाला प्रोसेसर है, लेकिन स्कोर को देख के लग रहा है कि 865 भी हमको मिलने वाला है। 65 वॉट का चार्जिंग यहाँ पे मिल सकता है, साथ ही साथ में 30 वॉट का वायरलेस चार्जिंग भी शायद इस फोन में इंक्लूड कर सकता है ओप्पो। जब भी ये इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो जाएगा मैं जरूर आपको अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम में बाकी डिटेल्स दे दूंगा। चलिए देखते हैं इंडिया में आता कि नहीं, मुझे फिलहाल के लिए नहीं पता है लॉकडाउन के चक्कर में, लेकिन अगर कुछ न्यूज मिला तो मैं जरूर आपको शेयर कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज के ऊपर। और दोस्तों चाइना के जाने माने लीक स्टार वीवो के डिजिटल चैट स्टेशन ने एक नया अपने वीवो पोस्ट में कंफर्म कर दिया कि बहुत जल्द एक फोन जो है 765G का क्वालकॉम के प्रोसेसर के साथ और 192 मेगापिक्सल के साथ आने वाला है। अब उन्होंने ये भी साथ में कहा है कि हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद उस ब्रांड से हम लोगों को ना मिले। तो यहाँ पे आपको बता दूं वर्ल्ड का फर्स्ट फोन विथ 108 मेगापिक्सल कैमरा, जो फिलहाल के लिए हाईएस्ट मेगापिक्सल कैमरा है, वो आया था Xiaomi की तरफ से। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैसा ही कुछ हो सकता है कि Xiaomi ही शायद ये फोन को लाए। लेकिन यहाँ पे उन्होंने अपने सेकंड मैसेज में ये कंफर्म कर दिया कि जो हम सोच रहे शायद वहां से ये नहीं आने वाला, कहीं और से ये आ सकता है। तो इसको देखिए ये लग रहा है कि Motorola या फिर बाकी कोई ब्रांड से भी ये हम लोगों को मिल सकता है। आपको क्या लगता है इतना मेगापिक्सल जरूरी है, आप मुझे बता सकते हैं नीचे कमेंट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने न्यूज़ के ऊपर। और दोस्तों अपना आखिरी न्यूज आ रहा है आज वीवो का तरफ से। जी हाँ, यहाँ पे कुछ दिन पहले से मैं बताते जा रहा हूँ कि यहाँ पे वीवो का एक नया मिड रेंज का फोन जो है Y50 नाम का, वो बहुत जल्द आ सकता है इंडियन और ग्लोबल मार्केट में। यहाँ पे अभी कॉम्बोडिया के ट्विटर और फेसबुक पेज में कंफर्म कर दिया कि इसका पोस्टर और इसका ऑफिशियल लुक्स कैसा होने वाला है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो इसका लुक्स जो है ऐसा होने वाला है। यहाँ पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप जो है वो मिलने वाला है, साथ ही साथ में आपको यहाँ पे स्पेसिफिकेशन जो मैंने ऑलरेडी कहा था वही होने वाला है। यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का 665 का प्रोसेसर मिल रहा है, तो इसका मतलब ये 5G फोन तो नहीं है। साथ ही साथ में 8GB का रैम, 128GB के इंटरनल एक्सपेंडेबल अप टू 256GB, 5000mAh का बैटरी भी यहाँ पे मिलने वाला है, 18 वाट का चार्जर आपको यहाँ पे मिल सकता है, 48822 का आपके क्वाड कैमरा जो है यहाँ पे बैक में आपको मिलेगा, यहाँ पे 16MP का आपको फ्रंट पे कैमरा मिल सकता है। तो यहाँ पे देख के यही लग रहा है कि एक मिड रेंज का फोन जो है बहुत जल्द वीवो की तरफ से इंडिया और बाकी ग्लोबल मार्केट में भी शायद आ सकता है। अब यहां पे प्राइसिंग की बात करें तो कंबोडियन प्राइस को कन्वर्ट करते हैं अप्रॉक्स 17,000 जो है इंडियन प्राइस में ये आ रहा है। अगर आप एक अच्छा फोन लेना चाहते हो तो अगर आप ऑफलाइन से लेना चाहते हो तो इस फोन के लिए आप कुछ दिन वेट कर सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन के चलते हुए फिलहाल तो आप फोन खरीदने से रहे। तो देखते हैं एग्जैक्टली जो भी न्यूज आएगा मैं आपको जरूर शेयर कर दूंगा अपने फ्यूचर के एपिसोड में। चलिए दोस्तों इसी बात पे खत्म करते हैं आज का डेली टेक का। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, मैं गिव अवे का पोल मैंने डाला था, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक जो है वो मिल जाएगा, या फिर मेरे कम्युनिटी पेज पे भी जाके आप उसका वोट कर सकते हो कि आपको गिव अवे चाहिए रेडमी स्मार्ट बैंड का, यस और नो। और आपको यहाँ पे मैं शायद बहुत जल्द एक नया गिव अवे का अनाउंसमेंट कर सकता हूँ। ये टोटली आपके ऊपर है कि आप लाइक करते हो कि नहीं करते हो, उसके ऊपर ही आपका ये जो गिव अवे है वो डिपेंड कर रहा है। तो चलिए, ये गिव अवे कोई ऑफिशियल गिव अवे नहीं है, मैं खुद से पॉकेट से खरीद के देने वाला हूँ। तो आपका ओपिनियन मेरे लिए बहुत मैटर करता है, वहां पर जाइए और मुझे बताइए आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, स्टे सेफ, स्टे एट होम। मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।